नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी वर्षों की मनोकामना हुई पूरी। माउंट एवरेस्ट, सहारा रेगिस्तान और दुनिया की सबसे खतरनाक जंगल अमेजोन में शिव बाबा का झंडा फहराने वाले दिलीप सिंह शेखावत भी पहुंचे मुख्यालय शांतिवन, सुनाए रोमांच भरे अनुभव। मुंबई के खार में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती दीदी ने किया नए सेवा केंद्र का उद्घाटन। होप, हेल्थ एंड हार्मनी विषय पर स्पिरिचुअल टॉक का भी आयोजन। और एक नजर में होंगी ब्रह्मा कुमारी संस्था की गतिविधियों से जुड़ी 15 खबरें। बुलेटिन की शुरुआत मुख्यालय की खबर से। भारत सरकार में जल शक्ति मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे गजेंद्र सिंह शेखावत ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय अवलोकन करने पहुंचे, जिनका संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, सूचना निदेशक बीके करुणा, रशिया सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके चक्रधारी ने स्वागत किया। शांतिवन के डायमंड हॉल में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने ये कहा, मैं अभी देख रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संदेश जो पुस्तिका में छपा था, आदरणीय मृत्युंजय भाई ने जो मुझे दिखाया था, उसमें लिखा था कि उसका प्रभाव यहाँ के पर्वत, यहाँ जंगल, यहाँ पानी, यहाँ पेड़ पौधे सब पर पड़ता है। और कोई व्यक्ति यदि आंख मूंद करके भी उसको अनुभव करने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से उसको अनुभव यहाँ होता है। मैं अपने आप को यहाँ आकर के उस असीमित अपरिमाणित ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसे ही माउंट एवरेस्ट, सहारा रेगिस्तान और दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजोन में शिव बाबा का झंडा फहराने वाले दिलीप सिंह शेखावत भी मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। उन्होंने डायमंड हॉल के पवित्र मंच से अपने रोमांच खड़े कर देने वाले अनुभवों की शुरुआत शिव बाबा के धन्यवाद से की। चलिए अब सुनते हैं शेखावत जी की चमत्कारिक कहानी उन्हीं की जुबानी। मैंने 2019 में माउंट एवरेस्ट पे शिव बाबा का झंडा लहराया और ये 50 दिन की जर्नी में बहुत सी मुश्किलें हमें आई, लेकिन बाबा का साथ था, इस सोच के साथ पूरे जोश में रहे। इसी के चलते गॉडलीवुड स्टूडियो की टीम ने भी उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आगे नॉर्थ और साउथ पोल में भी शिव बाबा का झंडा लहराने की बात कही। अभी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रिसेंटली मैं कंप्लीट करके आया, तो लास्ट स्टेज में 70 किलोमीटर की दौड़ होती है और अमेज़न फॉरेस्ट इज नोन फॉर डेंजरस वाइल्ड लाइफ। वहाँ पे हर तरह के जीव जंतु मिलते हैं और रात के सेक्शन में अमेज़न को करना मतलब जंगल बिल्कुल लाइवली होता है उस टाइम पे। तो मैं 55 किलोमीटर की स्टेज पे था और हेडलैम्प यूज़ करके पहाड़ से ऊपर से नीचे उतर रहा था, उसी टाइम मेरा हेडलैम्प फ्लिकर किया और वो बंद हो गया। तो मिडल ऑफ द जंगल और रात के 8:30 बजे हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी और उसी टाइम मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि मेरा बाबा का झंडा जो है मेरे बैग में पीछे था। मैंने उसको टैप किया और बाबा से बोला, बाबा मदद करो, ये बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन है क्योंकि जंगल में स्टक होना बहुत डेंजरस था। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी हेडलैम्प 2 टैप मारने पर जल पड़ी और अगले जो 4 किलोमीटर मैंने दौड़ के कंप्लीट किए और मैं सेफली जंगल से बाहर आ गया और उसी वक्त मेरा हेडलैम्प जो है वो बंद हो गया। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा करिश्मा था कि मैं बाबा को जैसे ही याद किया मेरा हेडलैम्प जो है वो जला और वहाँ तक जला जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी। सो मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जब रेस फिनिश हुई, बाबा का झंडा मैंने बड़े फख्र से लहराया और मुझे ऐसा कई बार ही एहसास हुआ है कि बाबा की जो शक्तियाँ हैं, बाबा को जब मेडिटेशन से याद करता हूँ वो शक्तियाँ मुझे इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं और मैं आगे भी फ्यूचर में, अब मेरे दिसंबर में साउथ पोल बाबा को लेके जाना है, मैंने वहाँ झंडा लहराऊंगा और नेक्स्ट ईयर अप्रैल में नॉर्थ पोल जा रहा हूँ मैं और वहाँ भी मैं बाबा का झंडा लेकर जाऊँगा अपने साथ और मुझे पूरा 100% विश्वास है कि बाबा मुझे वहाँ मदद करेंगे
और मेरी मेडिटेशन में कंटिन्यू करते हुए इन सब चीजों को जारी रखूंगा। उनकी हिम्मत और बुलंद हौसलों से भरी कहानी सुनकर एक कहावत याद आ गई कि जिसका साथी है स्वयं भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के जयंती दीदी के मुंबई पहुंचने पर एक विशेष पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। खार एवं बांद्रा सेवा केंद्र का यह संयुक्त कार्यक्रम बांद्रा स्थित सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में आयोजित रहा, जिसमें विख्यात फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुजीत सरकार, इंडियन फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर शशिलाल नायर, ब्रह्मा कुमारी गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बी के हरिलाल भाई, मशहूर बिल्डर विजय वाधवा, अशोक मोहनानी समेत मुंबई की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। होप हेल्थ एंड हार्मनी विषय पर आयोजित इस टॉक का आगाज करते हुए हार एवं बांद्रा सेवा केंद्रों की प्रभारी बी के शोभा ने ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों को बी के जयंती दीदी का विस्तार से परिचय देते हुए उनके विशेष गुणों की महिमा की। इसके पश्चात बी के जयंती दीदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया बदलाव की दहलीज पर खड़ी है और मैं आप सबको खुशखबरी देना चाहती हूं कि बहुत जल्द सत्ययुगी दुनिया की स्थापना होने वाली है, जहां सिर्फ सत्यता होगी, आपसे प्यार होगा और हर तरफ खुशहाली के गीत बजेंगे। प्रैक्टिकल जीवन देखना हो तो दीदी जी की जीवन को देखें। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए एकदम निर्माण है, कोई भी अभिमान नहीं। ऐसे बाबा के बच्चे तो निरअहंकारी है, पर इनमें बहुत विशेष गुण है। जो दूर से तो देखे थे, पर अभी हम दो दिन से साथ में हम उनकी हर एक्टिविटीज देख रहे हैं कि जितने बड़े हैं, जितने महान हैं, उतने नम्र चित हैं। धरती भी जो गोल घूमती है उसका भी एक ही चक्कर होता है, तो हर बात में सिस्टम होती है। तो सृष्टि का जो समय का चक्कर चलता, कलयुग के बाद हम आपको आज ये खुशखबरी सुनानी चाहते हैं कि कलयुग के बाद अवश्य ही सतयुग आने वाला है, सतयुग का संसार। और आप कहेंगे आप कैसे ये कहते, और ही एक तरफ युद्ध चल रही है, दूसरी तरफ इटली में भी आग लग रही है, तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स दोबारा आए हैं, कैसे हम कहें कि हम सत्यु की ओर जा रहे हैं। आप सोचो कलयुग चाहे सत्युग किस आधार पर हम कहेंगे, और मैं तो कहेंगे कि मानवता के वैल्यूज के ऊपर। सत्युग के वैल्यूज क्या होंगे आप थोड़ी कल्पना करके अपने इमेजिनेशन से आप सोचो। जब नाम ही है सत्युग, सत्यता का युग, वो कितना न सुंदर होगा, जबकि हर बात में आधार ही है सत्य। उसमें मनुष्य आत्माएं भी सत्य, संबंध भी आपस में सत्यता के आधार पर, तो प्रकृति भी उसी अनुसार अपनी सत्व प्रधान स्थिति से आत्माओं को सुख देने का कार्य करते रहेंगे। बीके जयंती दीदी के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुजीत सरकार और बीके हरिलाल ने अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए। राजयोगा से एक what has happened is एक नए तरह से अपने जिंदगी को देखने का एक नजर मिला। I could see a little bit of self healing। सबका अपना अपना तरीका होता है मेडिटेशन का, मेरा थोड़ा अलग है मेडिटेशन का तरीका, मेरा थोड़ा सेल्फ हीलिंग वाला मेडिटेशन तरीका है। पहले शांत नहीं बैठता था, अभी शांत बैठता हूँ। मतलब शांत नहीं बैठता, चुपचाप तो पहले भी बैठता था, लेकिन मेंटली शांत हो जाता हूँ। मैं तो भागता इधर उधर तो पकड़ के लेके आता हूँ मैं। सो बहुत टाइम होता है जब इधर उधर भागता है, मैं खींच के लेके आ सकता हूँ आजकल। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा एक हीलिंग हुआ है मेरे अंदर। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे स्पिरिचुअल और मेडिटेशन का, आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज एवरीथिंग जयंती दीदी ने बता दिया इधर। आई थिंक द अल्टीमेट इज़ truthfulness,
कई सेंटर ऐसे होते हैं जिनकी एक अपनी आभा होती है, उस जिसको कहे एक मंडल होता है उनका, खार सेंटर उसमें से एक है, क्योंकि आप जैसे महानुभाव और आप जैसी सेलिब्रिटियां इस सेंटर से जुड़ी हुई है तो खार सेंटर खास इस अभिनंदन का अधिकारी है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर की तरफ से भी मैं खार सेंटर को इस नए मूवमेंट माना नई जगह पे जाने के लिए तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाकी जयंती बेन की तो बातें बहुत हुई है, किंतु मुझे ऐसा लगता है मुझे भी कुछ बोलना जरूर चाहिए कि इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया मगर जो एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी का जो इनको कारोबार और जो संभालने की जिम्मेदारी मिली है वो बहुत बड़ी है और वो बहुत बेखूबी से निभा रही है। सारा यूरोप, मिडिल ईस्ट और आज तो मैं कहूँ लंदन सेंटर के द्वारा, क्योंकि गॉडलीवुड स्टूडियो के और पीस न्यूज के द्वारा हम जुड़े हुए, मैं इनका समाचार डेली कुछ ना कुछ प्राप्त करता हूँ। और इतना व्यस्त होते हुए भी वो जब यहाँ भारत में आते हैं बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है हमें कि ये भारत नहीं और फॉरेन का कारोबार संभाल रहे हैं, किंतु यहाँ आने से ऐसा होता है कि ये फॉरेन से ज्यादा भारत का ही कारोबार संभाल रहे हैं। इस पब्लिक प्रोग्राम से एक दिन पूर्व खार में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन बीके जयंती दीदी ने बीके शोभा दीदी, विधायक आशीष शेलार, पूर्व जज सत्यपाल नारंग, पूर्व महापौर अलका खेलकर, बिल्डर विजय वाधवा, बीके हरिलाल जी समेत कई संस्था के वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में किया। इस मौके पर बीके जयंती दीदी और अतिथियों ने सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे का अभिनंदन करने पहुंची थाने लाइट हाउस सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरला, बीके हीना और बीके ज्योत्सना। निराकार परमात्मा शिव का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। कोलकाता में डॉक्टर्स के सम्मान में कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। शहर के जाने माने डॉक्टर एस के शर्मा, डॉक्टर शशि जिंदल, डॉक्टर सुशांत मुखोपाध्याय, डॉक्टर संजीव कसेरा समेत 50 डॉक्टर्स हुए शामिल। ईस्टर्न जोन प्रभारी बीके कानन ने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से किया डॉक्टर एस के शर्मा का सम्मान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग सेवा केंद्र पर मनोरंजन के लिए मैजिक शो का आयोजन। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहायक प्राध्यापक सुषमा दुबे और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के चीफ मैनेजर अरुण कुमार दुबे मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। आनंद सरोवर सेवा केंद्र पर जादूगर हैरी और कौशल ने दिखाया अपने हुनर का जलवा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा के मार्गदर्शन में आयोजित रहा कार्यक्रम और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली ने किया कार्यक्रम का संचालन। अहमदाबाद के वाटवा सेवा केंद्र पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, ब्रह्मा कुमारीज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संयुक्त आयोजन। MBBS एवं MD डॉक्टर शशि प्रकाश क्षत्रिय और सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा के मार्गदर्शन में आयोजित रहा कैंप। 60 लोगों ने कराया हेल्थ चेकअप। बीके तारा ने सोल और सुप्रीम सोल का दिया परिचय। कल तरु मुहिम के तहत फरीदाबाद के सेक्टर 19 में कार्यक्रम। डॉक्टर MP सिंह, डॉक्टर RD बंसल, डॉक्टर ML मुतरेजा हुए शामिल। बीके हरीश और बीके ज्योति ने कल तरु प्रोजेक्ट की विस्तार से दी जानकारी। कार्यक्रम के अंत में पौधे लगाकर वृक्षारोपण का दिया संदेश। UP के हरदोई सेवा केंद्र पर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। SDM स्वाति शुक्ला, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी प्रतिभा वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। पंजाब में युवा प्रभाग के संयोजक बीके अरुण और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी ने किया युवाओं का मार्गदर्शन। अतिथियों ने बच्चों को प्रदान किया सर्टिफिकेट। बीके रोशनी ने अतिथियों को भेंट की ईश्वरी सौगात। ऐसे भुवनेश्वर में बेटियों के सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम। पल्ली उन्नयन सेवा समिति द्वारा संचालित बोर्डिंग हाउस में आयोजित रहा कार्यक्रम। गरीब और बेसहारा बच्चियों के लिए है ये बोर्डिंग हाउस। बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी रही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता। पल्ली उन्नयन सेवा समिति की सचिव स्वाति पात्रा ने बीके तपस्विनी का किया स्वागत। बीके तपस्विनी ने बेटियों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए किया प्रेरित।
कोलकाता के बेहाला सेवा केंद्र द्वारा सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना ने अभियान यात्रियों का तिलक लगाकर किया प्रोत्साहन। वेस्ट बंगाल पुलिस के सहयोग से संचालित रही पूरी 50 किलोमीटर की यह रैली। सड़क सुरक्षा के नियमों और दुर्घटना से बचने के उपायों के प्रति फैलाई जागृति। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।